नमस्कार। नॉर्थ गुजरात एजुकेशन ट्रस्ट मुंबई संचालित अरविंद जीवाभाई प्राथमिक शाला में आपनु स्वागत छे। स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 6 सुबह, पार्ट 2। बच्चों, पार्ट 1 में हमें क्या सीखा? सुबह कहानी में आने वाली विकलांग रेशमा के बारे में सीखा। वह कितनी साहसी थी, वह कितनी साहसी है कि उसने अपने साहस से अपने छोटे भाई को, गोलू को बचा लिया, कितनी चतुराई से बचा लिया और खुद भी बच गई। तो इस प्रकार इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। अब इस कहानी में आने वाली भाषा सज्जता को हम देखेंगे। इस कहानी में भाषा सज्जता में व्याकरण का टॉपिक जो है वो है विशेषण। विशेषण के बारे में हम सीखेंगे। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा शब्दों की विशेषता, संज्ञा जो होती है उन शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए हम उदाहरण लेंगे। ग्वाले के हाथ में लाठी है, यह एक सादा वाक्य है। ग्वाले के हाथ में लाठी है तो उसमें विशेष कुछ भी नहीं। पर दूसरा जो वाक्य है, ग्वाले के हाथ में लंबी लाठी है, वह क्या है? ग्वाले के हाथ में लंबी लाठी है तो यह लंबी जो है वह क्या है? इस वाक्य में एक विशेष बात है। तो इस प्रकार जिस वाक्य में विशेष बात की गई हो, विशेषता हो, उस विशेष बात को, उस विशेष शब्द को विशेषण कहते हैं। अब हम देखते हैं एक चित्र। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, उस चित्र का हमें वर्णन करना है। तो हम देखते हैं चित्र में ग्वाला है, उसके हाथ में लाठी है, पास में नदी है, नदी में नाव है, नाव में मछली है, नदी में मछली है, नदी में कवल के फूल है, नदी के किनारे पेड़ है, आकाश में बादल है। अब कुछ रह गया हो तो हमें जोड़ना है। हमने यह चित्र देखा और उस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है वो हमने सब कुछ लिख दिया वाक्यों में। अब हमें कुछ उसमें विशेष लिखना है। यह क्या है? सादे वाक्य है, उसमें कुछ विशेष है नहीं। तो इन सारे वाक्यों में हमें कुछ विशेष को लिखना है। तो आइए कुछ लिखते हैं हम विशेष इन वाक्यों में। यह एक सुंदर चित्र है। हमने पहला वाक्य देखा, उसमें क्या था? यह एक चित्र है। तो वहाँ विशेष कुछ नहीं था। लेकिन जब यही वाक्य हमने दोबारा लिखा कि यह एक सुंदर चित्र है, तो सुंदर वो क्या है? इस वाक्य में एक विशेष शब्द है। तो यह एक सुंदर चित्र है, उसमें सुंदर वह विशेषण है। चित्र में ग्वाला है, ऐसा दूसरा वाक्य था, पर हमने क्या लिखा? चित्र में एक ग्वाला है, तो एक वह विशेषण है। उसके हाथ में लंबी लाठी है, तो उसके हाथ में लाठी तो है पर कैसी है? लंबी। यह विशेषता दर्शाता है, यह शब्द विशेषता दर्शाता है, तो लंबी वह विशेषण है। पास में एक बड़ी नदी है, पास में एक बड़ी नदी है, नदी तो है पर कैसी है? बड़ी है, तो बड़ी शब्द वह क्या है? विशेषण दिखलाता है। नदी में दो नाव है, नदी में नाव तो है पर कितनी है? दो है, दो वह क्या है? विशेषण है। नदी में तीन मछलियाँ है, नदी में मछलियाँ तो है पर कितनी है? तीन, तो तीन वह क्या है? विशेषण है।
नदी में कमल के सुंदर फूल है। नदी में फूल है पर कौन से है? कमल के है। और कैसे है? सुंदर है। तो यहाँ पर इस वाक्य में दो विशेषण हैं, कमल और सुंदर। नदी के किनारे छोटे बड़े पेड़ है। नदी के किनारे पेड़ है पर कैसे है? छोटे बड़े। तो छोटे बड़े वह क्या है? विशेषण है। आकाश में बादल है। आकाश में बादल है पर कैसे बादल है? काले काले। तो आकाश में काले काले बादल है। तो इस प्रकार काले काले वह क्या है, इस वाक्य का विशेषण है। तो बच्चों, आपने देखा कि हमारे इस चित्र का हमने वर्णन किया, कुछ शब्द लिखे और उन शब्दों में कुछ विशेष बातें भी लिखी। कौन सी विशेष बातें लिखी हमने इन सारे वाक्यों में? एक सुंदर, एक लंबी लाठी, बड़ी नदी, दो नाव, तीन मछलियाँ, कमल का सुंदर फूल, नदी का किनारा, छोटे छोटे पेड़, काले काले बादल। क्या लिखा हमने? एक सुंदर चित्र, एक वाला, एक लंबी लाठी, बड़ी नदी, दो नाव, तीन मछलियाँ, कमल का सुंदर फूल, छोटे बड़े पेड़ और काले काले बादल। तो वाक्यों में यह सारे शब्द जो है वह क्या है? एक सुंदर, एक लंबी, बड़ी, दो, तीन, कमल, सुंदर, छोटे बड़े और काले काले, यह सारे जो वाक्य है वह क्या है? विशेषण है। तो इस प्रकार अब आप भी विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण किस तरह रखे जाते हैं, किस तरह पहचाने जाते हैं, वह आप सीख चुके होंगे। बच्चों, बस इस भाग में इतना ही।